इसे बहुत देर से ताली आ रही थी। आदाब का जवाब आदाब होता है, लेकिन अगर डॉक्टर गुलाम मुश्तबा साहब को मैं आदाब कहूंगा तो वो मुझे जवाब में तस्लीमात कहेंगे, इसलिए कि वो मुझसे बड़े हैं। और नासिर रजा जैदी भी यहाँ मौजूद है और यहाँ पर ये हमारे शहजादे भी मौजूद है सैयद अब्दुल रज़ाक, अगर इनको मैंने कहा आदाब तो ये भी तस्लीमात कहेंगे, क्योंकि पिछले 15 साल से इनकी शादी नहीं हुई, ये भी मुझसे बहुत बड़े हैं। शादी की कोशिश भी करते हैं, करीब करीब पहुंच जाते हैं, अचानक से सब तब्दील हो जाती है, कभी मसलक का मसला आ जाता है, कभी मिजाज नहीं मिलते, पहले सिर्फ तकरीरें करते थे या मोटिवेशनल सेशन भी दे रहे हैं, बात नहीं बनके दे रही है। कोई अगर ऐसा बैठा है किसी के पास कोई कुलिया है कोई फॉर्मूला है तो मेरे भाई को दे दे, बड़ा परेशान है, बस आपसे मिलने के लिए आ रहा है। आज करारदाद आपके सामने तहरीर है हम नजरिया पाकिस्तान के अमीन हैं, दोनों जानिब से दलाइल दिए गए। कायदा है कि जो मुंसिफी बैठते हैं वो दरअसल दलाइल रद्द दलाइल आपके अंदाज आपके बयान आपके तलफ़ुज़ आपके डिक्शन को मजमून बनाकर मार्क्स देते हैं, शुमार करते हैं, वो रिजल्ट अपनी जगह है, वहाँ पर यकीनन तीसरे दूसरे और पहले दर्जे पर मुकर्ररीन हैं और जिनका यहाँ यकीनी तौर पर ऐलान भी किया जाएगा। लेकिन उससे कबल ये कायदा और मैं इस कायदे के लिए अपने सीनियर और इंतहाई मोहतरम जनाब डॉक्टर गुलाम मुश्तबा साहब से इजाज़त चाहूँगा कि मैं वोटिंग करवा लूँ इस ऐवान में। और याद रहे कि मैं तकरीर करता हूँ, आप भी तकरीर करते हैं, लेकिन जब हम पैदा नहीं हुए थे तब से डॉक्टर गुलाम मुश्तबा तकरीर करते हैं। हम तकरीर करते हैं तो बसा औकात चाहते हुए ना चाहते हुए सियासी नजरियात